की रफ्तार देखो। जब हमारे पड़ोसी चौक से चांद का डायग्राम बनाना सीख रहे थे, हम चांद की मिट्टी चूम के लौट आए। जब दुनिया मिशन मार्स पर करोड़ों डॉलर फूंक रही थी, हम मुट्ठी भर पैसों में मंगल घूम के लौट आए। भट्टियां कितनी भी बड़ी बना लो, हम अग्निपुत्रों के बिना आग कहां से लाओगे? जो कृष्ण की तरह तुम्हारी तरक्की का रथ हाँके, वो प्रतिभा वो दिमाग कहां से लाओगे? बैठे रहो गूगल और ट्विटर खोल के, पीछे ही और पराग कहां से लाओगे? जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मित्रों, भाइयों और बहनों, चंद्रयान की सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद अब ये बहुत सारी चीजें निकल के आ रही हैं, बहुत सारे वीडियो निकल के आ रहे हैं। और आज का जो वीडियो है उसका जो टॉपिक है कि पाकिस्तानियों को यकीन नहीं हो रहा है कि भारत चांद पर पहुंच गया है। वो जो उनके मदरसों में पढ़ाया जा रहा है, वो उसी में ही सोए रहना चाहते हैं, वो उसी को ही शाश्वत सत्य मान के बैठे हुए हैं। वो अपनी किताब जो है ना, उनकी आसमानी किताब, उसको ही शाश्वत सत्य मान के बैठे हुए हैं। और वो यही मानते हैं कि भैया यही आखिरी है और यही सब कुछ है। जब तक वो उनके दिमाग में रहेगा, ये देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। और मुसलमान देश जो है वो अपने ऐशो आराम में पड़े हुए हैं, लेकिन सारे देश, चाइना को देख लो, अमेरिका को देख लो, रशिया को देख लो, और भारत तो वहाँ पर जो अपने झंडा गाड़ ही दिया है। और पहली बार जो है मून के साउथ पोल पर भारत ने लैंडिंग करी है। ये पहला देश बनना बहुत गर्व और गौरव की बात है, ये छोटी बात नहीं है। लेकिन हमारे देश के भी लिबरलों को बहुत जलन हो रही है इसमें। और झंडू जर्नी कहता है कि भाई हमारे साइंटिस्ट जो हैं वो पूजा पाठ क्यों करते हैं? जब भी कोई मिशन होता है उससे पहले भी पूजा पाठ करते हैं, जब भी कोई मिशन सक्सेसफुल हो जाता है उसके बाद भी पूजा पाठ करते हैं। भैया पूजा पाठ करते क्यों हैं? क्योंकि झंडू जर्नी को इससे बहुत ही जलन होती है। तो बर्नौल खरीद लेना चाहिए झंडू, तेरे को झंडू पर बर्नौल खरीद लेना चाहिए। हमारे जितने भी सनातनी हैं सभी को पूजा पाठ जरूर करना चाहिए। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, उससे पहले आपको पूजा पाठ करना है। कोई भी काम खत्म करते हो तब भी आपको पूजा पाठ करना है। आपके दिल में सनातन होना चाहिए, ये जो हमारे देवी देवता हैं आपके मन में बसे होने चाहिए। कोई चाहे कुछ भी बोले, आपको अपने जो धर्म है उसके ऊपर अडिग रहना है। और ये वीडियो भी देखते हैं। ये सवाल है कि मुसलमान दुनिया जो है वो क्यों उसने नहीं सोचा आज तक कि हमें चांद पे जाना है? इट इज अ वेरी सीरियस क्वेश्चन कि सिवाय मुसलमानों के छोड़ के बाकी सब चांद पहुंच गए। वी आर बिकम यूजर्स ऑफ साइंस, कंज्यूमर्स ऑफ साइंस, नॉट प्रोड्यूसर्स ऑफ साइंस। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। एक तरह से देखा जाए कि उनको कॉन्ग्रेचुलेशन कि वो चांद पर गए हैं, लेकिन बहसीत है पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तानी, हाँ। मुझे बहुत दुख है। वो चले गए या हम नहीं जाओगे? मुझे दुख है कि हम नहीं जा सके। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। यहाँ पर हमारी ये हालात क्यों है और हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया चांद पर चला गया सर? वो तो चांद पर चला गया कि उसका कोई टेंशन नहीं, वो अंधेरी जगह पे गया जहाँ पे कुछ भी नहीं होना। वहाँ पर पानी भी ढूंढ लिया उन्होंने, कुछ भी नहीं ढूंढा उन्होंने। क्या चुतिया बनती है, पहले पानी भी ढूंढने वाला, ये तीसरा अटेम्प्ट है उनका। कोई नहीं, ये हमें अफवाह है कि पानी ढूंढ लिया, फलां ढूंढ लिया। पूरी दुनिया तस्दीक कर रही है, हम नहीं मानते। नहीं नहीं, हम नहीं मानते। पिछले दो दिन में दो रिकॉर्ड बने तगड़े वाले, एक बनाया पाकिस्तान में और एक बनाया हमारे हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान का रिकॉर्ड तो आपको पता ही है कि भारत चांद पे पहुंच गया, लेकिन आपको ये जानकर बहुत ताज्जुब होगा कि पाकिस्तान का डॉलर भी चांद पे पहुंच गया है, 300 रुपया। एक तरफ भारत ने चांद पे कदम रख के एक इतिहास बनाया, वहीं पाकिस्तान ने अपने डॉलर को 300 रुपए तक पहुंचाकर नया इतिहास बनाया। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब एक डॉलर 300 रुपए तक चले जाए तो आपको पता है कि फिर हाहाकार ही मचता है। यकीन कीजिए, पाकिस्तान इस वक्त उस दौर से गुजर रहा है कि आम आदमी ने हाथ खड़े कर दिए, उसने कहा बस। पाकिस्तान दिन ब दिन कंगाली के दलदल में धंसता चला जा रहा है। पाकिस्तान की तारीख में डॉलर कभी भी इस रेट को तजावुज नहीं किया। आज का जो रेट है 300 रुपए और 25 पैसे तक पहुँच चुका है। हाय हाय, इतना सुकून। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है। इसके साथ अगर हम बात करें महंगाई की, इन्फ्लेशन की, बेरोजगारी की, मुल्क में बढ़ते हुए बहरान की, तो ये जो है पाकिस्तान अपने वर्स्ट तरीन दौर से गुजर रहा है, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। अगर हम बात करें बिजली की बिलों की, इलेक्ट्रिसिटी के बिल ने इस दफा तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 15,000 कमाने वाले बंदे को 40,000 से 45,000 रुपए जो है बिजली का बिल दिया जा रहा है। तोबा तोबा तोबा। मस्जिदों के अंदर से ऐलान किए जा रहे हैं कि कोई भी पाकिस्तानी अगस्त के इलेक्ट्रिसिटी के बिल जमा नहीं करवाएगा। और जो अगर कोई मीटर काटने आता है, पहले उसको मना किया जाए, और अगर वो मना नहीं होता तो मीटर काटने वाला अपने जान और माल का खुद जिम्मेदार होगा। मस्जिद चाहे हिंदुस्तान की हो चाहे पाकिस्तान की हो, वहाँ से ऐलान ऐसे बेतुकी होते हैं। क्या बिल मत दो, पाकिस्तानी आर्मी का हंटर चलेगा तुम्हारी आतड़ियों में से भी
खींच के बिल निकाल लेगी आर्मी, इतनी हरामजादी है तुम्हारी आर्मी। डाकू तो फिर भी बंदूक दिखाकर लूटता है आपको, ये तो बड़े आराम से लूटते हैं, हम अपने खुद अपने हाथों से पैसे देते हैं। नाज़रीन के जो मैं आपको मनाजिर दिखा रहा हूँ, देखिए जरा कहाँ कहाँ के मनाजिर है, कहाँ कहाँ सरगोधा हरिपुर में देखे लोग निकले हुए बाहर, इस वक्त तौसा पे लोग एहतजाज कर रहे हैं, बिजली के बिल उनके पास है, कहते हमने नहीं देना, जला रहे हैं हाथों में बिजली के बिल पकड़े में जला रहे हैं, वो कहते हमने नहीं देने। देखिए मनाजिर आप जरा, चनियोड़ के मनाजिर है, अच्छा फिर ये कहाँ के जनाब, हरिपुर के मनाजिर है, हाथों में बिजली के बिल है भाजन, अलाव जलाते हैं सड़क पर आते हैं, अलाव जलाते हैं और कहते हैं जनाब ये गया बिजली का बिल, हमें नहीं चाहिए, अब इन सबको करो अंदर, नहीं सबको करो अंदर, नहीं करो परचेन के ऊपर, नहीं डालो इनको अटक जेल में सबको, नहीं करोगे, नहीं नहीं करो, क्योंकि अब आवाम है, ये आवाम है, शुक्र है हमारी आवाम को होश आया है। अगर वो इंडिया को कहें कि इंडिया जैसे चांद पे पहुंच गया या इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, तो वो जो भारत में मुसलमान हैं उनके लिए भी कुछ करे। अच्छा, और जो LSE पे रोज ये जो गोलाबारी होती है, जो हमारे मुसलमान भाई शहीद होते हैं, उनके लिए भी कुछ करे। ऐसा नहीं है, ये सब झूठ बताया जाता है कि वहाँ पे मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, ये हो रहा वो हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, ये सिर्फ हमें जो है ना हमारे लिए एक जरिया बनाया जाता है कि पाकिस्तानी लोग इंडिया के करीब ना जाएं। आज तक कोई मुसलमान पाकिस्तान आया है कि मुझ पे जुल्म हो रहा है मुझे जगह दे दो? नहीं। 1947 से लेकर अब तक हमारे ऑफिशियल रिकॉर्ड में एक भी मुस्लिम फैमिली नहीं है जो इंडिया छोड़ के आई। ये जो मोदी की पॉलिसी है ना, ये पूरी दुनिया जानती है, ये नहीं कि सिर्फ मैं कह रहा हूँ। क्या पॉलिसी है? कोई जुल्म नहीं होता, मीडिया से रिलेटेड है ये अंकल, पुरानी बातें हैं, जो हमारे जो पुराने पॉलिटिशियन थे इसी बात पे वो वोट लेते थे, लेकिन आज इंडिया इतना आगे, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, तमाम रिलीजन के लोग वहाँ पर जो है अपनी कामयाबी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। फवाद चौधरी, ये बताएं कि वहाँ पे मस्जिद शहीद नहीं पता, पूरी दुनिया में शहीद किए थे। बाबरी मस्जिद आप हमेशा ले आते हैं, बाबरी मस्जिद का जो मसला था कोर्ट में था, कोर्ट ने हिंदुओं को भी बुलाया, मुसलमानों आप वो देखें आज भी YouTube पे मौजूद है, उन्होंने कहा सबूत पेश करो, मुसलमान सबूत पेश ना कर सके, हिंदू ने अपना जो है सबूत पेश किया, कोर्ट ने किया, मोदी सरकार ने वो मस्जिद नहीं गिराई कोर्ट के ऑर्डर से, और उसके बदले में उन्होंने 5 एकड़ की मस्जिद बनवा दी। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, ये जो अदालतें कर रही है, ये जो भी हो रहा है, तो ऐसे इंडिया की अदालतें भी ऐसी हैं, अपने साथ मत जोड़िए हमको, अलग है वो भी उन हिंदुओं की, और जो मोदी की जो सरकार है ना उसकी बात ही ज्यादा मानी जाती है, तो अवाम वहाँ की या यहाँ की अवाम कुछ नहीं कर सकती, वो जो हुक्मरान बैठे हैं या एस्टेब्लिशमेंट उधर की है। अच्छा, या देखिए आज हमारा टॉपिक जो है ना तरक्की का था, आप इंडिया के मुसलमानों पे ले गए, आपने चाइना के मुसलमानों की कभी बात की है जिनको रोजे रखने नहीं दिया जाता, चाइना मस्जिदें शहीद कर रहा है, दाढ़ियां वहां पर काट रहा है, कुरान पाक पढ़ने पे बैन है, रोजा पढ़ने पे बैन है, 1.5 करोड़ मुसलमानों के लिए उन्होंने जेलें बनाई है, 7 दाढ़ी तो इसकी भी कटी हुई है, दिन मुसलमानों को मारते हैं, चाइना की आप बात नहीं करते, मुसलमान कंट्री अगर हम अगर हम देखें हिंदुस्तान की बात करें, 4.5 लाख मस्जिदें हैं वहां पर, 4.5 लाख, और साथ साथ वहां की जो सरकार है हज पे जब जाते हैं, अगर 8 लाख का हज है, 4 लाख सरकार भरती है, 4 लाख अवाम भरती है, इतना कुछ तो दे रहे हैं, चाइना की हम क्यों बात नहीं करते फिर? ये जो चाइना है, हम चाइना की भी बात करते हैं, वहाँ पे भी अगर मुसलमान पे जुल्म हो रहे हैं तो वो अगर नहीं डेफिनेटली हो रहा है, इंडिया का तो हमें पता है कि वहाँ पे हो रहा है, प्रलय तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया है? जब हम इस पे सोचेंगे, हमारी सरकार सोचेगी या जो बड़े लोग जो हुक्मरान बैठे हैं, जो ताकतवर लोग हैं, वो सोचेंगे, तो इंशाल्लाह हम भी उनसे कम नहीं है। आई एम नॉट एग्री विद योर एनालिसिस। हम भी टैलेंट है, हमारे लोगों में भी टैलेंट इतना है कि हम चांद पे जा सकते हैं। उफ, 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 क्या जुल्म ढा दिया, चांद से ऊपर मरीख पे भी जा सकते हैं। 70 साल में कोशिश क्यों नहीं की अगर हम जा सकते हैं तो? इंडिया ने 2 कोशिशें की, तीसरी में वो बिल्कुल कामयाब हो गया। सुने, जब इंडिया ने एटम बम बनाया था तो फिर हमने भी बना दिया था। अच्छा ठीक है, अब उनने कुछ बनाया तो इंशाल्लाह जरूर हम भी कुछ करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि इसके बारे में सोचा जा रहा होगा। तो पूरा वीडियो आप लोगों ने देख लिया, वीडियो देखने के बाद में आपके जो भी विचार हो वो बहुत महत्वपूर्ण है, कमेंट सेक्शन आप ही का है, आप वहाँ के शहनशाह हो, तो पाकिस्तानियों को पहनने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो ये वीडियो था इंडियन लेटेस्ट मीडिया से, और यहाँ पर ये काफी अच्छे मीम्स बनाते हैं, इनके चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर भी आप इनके चैनल के वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों ये पाकिस्तानी जो है वो हमेशा ही भारत से पता नहीं क्यों खार रखते हैं, क्यों जलते रहते हैं, क्यों भारत की जो तरक्की है इनको पसंद नहीं है, और ये हमेशा यही बोलते हैं, अरे भैया भारत तो ये कर ही नहीं सकता, करे वहाँ दे रहा है, वहाँ कुछ नहीं फायदा है, कोई पानी पूरी नहीं। तो मतलब कहने का ये है कि भैया आप ख्याली पुलाव बनाते रहिए, आप वो चीज़ें करते रहिए, लेकिन इंडिया जो है डेवलपमेंट कर रहा है, इंडिया तरक्की कर रहा है, और भारत में जो ये इंटरनेट का जो मिशन है जो जियो ने फैलाया है, अब कुछ लोग जो है मुकेश अंबानी को भी गालियां देते हैं, यहाँ अदानी को भी गालियां देते हैं, कई बोलते हैं अदानी ही इंडिया है, अदानी कंपनी डूब जाएगी तो इंडिया डूब जाएगा, भैया भारत का कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पर हजारों लाखों कंपनियाँ हैं, और एक कंपनी के डूब जाने से भारत नहीं डूबेगा, लेकिन ये लिबरल लिबरांडू आपको क्या पट्टी पढ़ाएंगे, अरे भैया मोदी ने ना अडानी अंबानी को ही बेनिफिट दिए हैं, ये बस ऐसे ही चीजें कहेंगे। अभी वो कह रहा था ना दिग्विजय के भैया सैलरी नहीं मिली है इसरो साइंटिस्ट्स को, अच्छा वो वीडियो भी देखिए, बहुत ही मजेदार वीडियो है। ये हमारे देश के नेता हैं जिनको यही नहीं पता कि भैया चंद्रयान क्या है, कब लैंड हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो आप देखिए जरा वीडियो और इसका भी मजा लीजिए। चंद्रयान 3 की लैंडिंग हो रही है सर। अरे बोल रहे हैं, तैयार है भाई सर, अब ये नहीं इसको, अरे अरे बोल रहे हैं भाई, अरे अरे बोल रहे हैं, अरे छोड़िए भाई, अरे मोबाइल ले जाइए।
चंद्रयान पर मैं इतनी कह सकता हूं कि हम इसकी सफल लॉन्चिंग की कामना करते हैं, हमारा मिशन सक्सेसफुल हो। हम कामयाब हुए और सेफ लैंडिंग हुई तो जो यात्री गए हमारे उनको सलाम करता हूं, और हमारा देश एक कदम और साइंस में स्पेस रिसर्च के अंदर आगे बढ़ा, उसके सभी देशवासियों को बहुत बधाई देता हूं। हमारा चंद्रयान चंद्रमा तक धरती पर उतारने का उन्होंने सफल प्रयास है, और हमें तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि वो सफल हो। लेकिन इसमें साथ साथ ये भी है कि समाचार पत्रों में खबरें आ रही कि जिन वैज्ञानिकों ने सब काम किया है उनकी 17 महीने से वेतन उनको नहीं मिल पाया है। तो ये बस ये झूठी खबरें फैला रहे हैं कि साइंटिस्टों को 17 महीने का वेतन नहीं मिला है। भैया अगर किसी को वेतन नहीं मिला होता तो ऐसे इसरो जैसे सफल जो परीक्षण हो पाते, ठीक है। और रही बात, यही मैं कहना चाह रहा था शुरू में कि भैया भक्ति में बहुत शक्ति होती है, और जब आप भक्ति में रहोगे तो आपको शक्ति भी मिलेगी। और जो हमारे देवी देवता हैं, जो हमारे वेदों के अनुसार जो ईश्वर का वर्णन है, वहाँ जो रुद्रों का वर्णन है, 33 कोटि देवताओं का भी जो हमारे वेदों में वर्णन है, आप जब उन देवताओं की भक्ति करोगे तो उससे आपको शक्ति मिलेगी, उस शक्ति से आपको प्रेरणा मिलेगी, और आप जीवन में कभी भी असफल नहीं हो सकते, और आप साइंस में विज्ञान में जो है वो तरक्की करते जाओगे। हमें लड़ना चाहिए अपने धर्म के लिए, हमें मरना नहीं है, हमें लड़ना है। आपने देखा ना सनी देओल ने कैसे पाकिस्तान में जाकर, चाहे कुछ भी था वो अलग बात है कि फिल्म है, असलियत इससे डिफरेंट होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि कहते हैं कोशिशें ही कामयाब होती हैं। हमें डरना नहीं, हम सनातनी, हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, हमें जो पता है कि हमारी जो आत्मा है वो शाश्वत है, वो कभी मरती नहीं है। नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका न चैनम क्ले दैत्यापो न शोषति मारुता। हम इस चीज पर विश्वास रखने वाले लोग हैं, आत्मा कभी मरती नहीं है, इसलिए हिंदू कभी डरता नहीं है किसी से, लेकिन हिंदू कभी उग्र नहीं है। हिंदू आज अब जाग चुका है। आप लोग बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि हिंदू उग्र है, हिंदू उग्र नहीं है, हिंदू जाग चुका है। बहुत सारे लोग जो राम सेतु का जो प्रमाण मांगते फिरते हैं, भैया ये 5 और 8 हजार साल पहले की बातों के प्रमाण नहीं होते, इनके जो प्रमाण है प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। हमारी रामायण में राम सेतु का जिक्र है, और राम सेतु आपको एक्चुअल में भी देखने को मिलता है। इससे अलावा हम हिंदुओं को दूसरा कोई प्रमाण नहीं चाहिए। अब ये झंडू झरने जैसे लोग जो है वो बहुत सारे आक्षेप लगाते हैं, लेकिन मैं सनातनियों को यह कह देना चाहता हूं, जितने भी मेरे सनातनी भाई बहन हैं, आप लोगों को अपने धर्म के प्रति जो है वो अडिग रहना है, आपको अपने धर्म से नहीं हटना है। और अगर आप भी इन लिबरल लिबरांडुओं को, इन विधर्मियों को जवाब देना चाहते हैं, तो आपको ज्ञान लेना पड़ेगा, और ज्ञान आपको मिलेगा इन किताबों से, ये जो पुस्तकें हैं इन पुस्तकों से आपको ज्ञान मिलेगा, और इन पुस्तकों को आप खरीदिए, अपने घर में रखिए। आपके घर में वेद होने चाहिए, आपके घर में भगवद गीता जरूर होनी चाहिए, आपके घर में रामायण और महाभारत जरूर होने चाहिए। इन किताबों को पढ़कर, इनके सही वाले रेफरेंस लेकर आप इन विधर्मियों को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हो, और ये भी कह सकते हो कि हमारे वेदों में विज्ञान है। मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में बहुत सारी ऐसी पोस्ट शेयर करी हैं जिसमें गुरुत्वाकर्षण साफ साफ लिखा हुआ है, ये साफ साफ लिखा हुआ है कि धरती जो है वो सूर्य के अर्ध के चक्कर लगाती है, वहां पर बहुत सारी चीजें हैं, और मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट में ये चीजें अपडेट करता रहता हूं। तो आप कम्युनिटी पोस्ट में जाकर जरूर देखें इन चीजों को, और दोस्तों इन विधर्मियों को जवाब जरूर दीजिए, और देवी देवताओं से कनेक्टेड रहिए, मंदिरों से आप कनेक्टेड रहिए, पूजा पाठ से कनेक्टेड रहिए, और जिंदगी में तरक्की करते जाइए। साइंस में, विज्ञान में, जिस भी फील्ड में आप हो, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, क्योंकि भक्ति करने से शक्ति मिलती है। जैसे मैं हनुमान जी का भक्त हूं, तो हनुमान जी की भक्ति करके मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, मुझे डर नहीं लगता। कहते हैं जब आपको डर लगता है तो वो कहीं ना कहीं आपकी नेगेटिव एनर्जी होती है, उस नेगेटिव एनर्जी को ही भूत पिशाच कहा गया है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो जब आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी आने लगती है, तो आप जब भगवान के हनुमान चालीसा पढ़ते हो हनुमान जी की, तो आपको डर भाग जाता है और आपके अंदर एक जोश आ जाता है। अरे ये जो नास्तिक है ना, ये डर डर के जीते हैं, इनमें दम नहीं होता। नास्तिकों को अगर बोल दो ना कि भारत के बॉर्डर पे खड़े हो जाए, तो ये उसकी भी कमी निकालेंगे, और ये कहेंगे कि नहीं नहीं भैया, हमें लड़ना नहीं चाहिए, हमें इतना डिफेंस के ऊपर एक्सपेंसेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिफेंस पे एक्सपेंसेस जो है वेस्टेज है, लेट देम एंजॉय। इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे लगाओ, क्यों आप डिफेंस पे पैसे लगा रहे हो? अरे जब भारत के ऊपर ये भारी आक्रांता आक्रमण करेंगे और तुम्हें गुलाम बनाकर रख लेंगे ना, तो तुम उनके तलवे चाटने लग जाओगे। तो इन एथिस्ट और इन लिबरल लिबरांडुओं के
को आप छोड़िए, इन्होंने देश का कवाड़ा हमेशा से करा था, तो इन लिबरलों से और इन विधर्मियों से आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको अपने धर्म के ऊपर अडिग रहना है। और बहुत सारी चीजें हैं, हमें देश के संविधान का भी पालन करना है, कानून का भी पालन करना है और अपने धर्म के ऊपर भी अडिग रहना है। क्योंकि आपने देखा होगा ना, जब हमारे सैनिक ना जब वहां पर बॉर्डर पे होते हैं, जय दुर्गे के नारे लगाते हैं, जय माता के नारे लगाते हैं, हर हर महादेव के नारे लगाते हैं और इन पाकिस्तानियों के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं, तो ये इंस्पिरेशन होती है। हमारी जो भक्ति है ना, उसी में हमारी शक्ति छुपी हुई है। जिस दिन आपकी भक्ति खत्म हो गई, उस दिन आपकी शक्ति भी खत्म हो जाएगी। ये मैं बता रहा हूँ भाइयों, जितने भी सनातनी हिंदू भाई बहन हैं, मैं इन सबको बता रहा हूँ, चिक चिक के बता रहा हूँ कि भाई आपकी भक्ति में ही शक्ति है। ये विधर्मी जो झंडू जर्नी वाला है, आपकी भक्ति को खत्म करना चाहता है। ये देवी देवताओं के फोटो जो जलाते हैं, ये रामचरितमानस को जलाएंगे, लेकिन आपको अपने धर्म से नहीं हटना है। आपको हर चीज में जो है वो पढ़ाई करनी है। देखो, जब मैं बचपन में पढ़ाई करता था, तो जब मेरा मन उदास हो जाता था तो मैं मंदिर जाता था, भक्ति करता था, हनुमान चालीसा पढ़ता था, दुर्गा चालीसा पढ़ता था, उससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती थी और उस इंस्पिरेशन से ही हम किताबें पढ़ते थे और आज उसी ज्ञान को पढ़कर हम अपने जीवन में सक्सेसफुल हैं इस तरह से। तो इसलिए आज हम धर्म कर्म का भी काम कर पा रहे हैं, तो आपको वो सारी चीजें करनी है दोस्तों। तो इसी कामना के साथ दोस्तों वीडियो समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर दीजिए, शेयर जरूर दीजिए। ऐसे वीडियो चैनल पर लेकर आता रहूंगा, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।